दोस्तों, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि पीएचपी के अपाचे सर्वर को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं आज की क्लास में कि पीएचपी एक्चुअल में होती क्या है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन और पीएचपी का पेज हम कैसे क्रिएट करते हैं हमारे रूट फोल्डर में। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि व्हाट इज पीएचपी, एक्चुअल में पीएचपी है क्या। ठीक है, तो पीएचपी की जो फुल फॉर्म है, पीएचपी स्टैंड्स हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट का मीन्स क्या होता है, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो इसका यदि हम ओल्ड में बात करें, तो पहले जो इसका नाम था, ओल्ड नेम था उसका, था पर्सनल होम पेज। तो जैसे जैसे इसकी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो इसका नाम अब क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। कुछ इसमें एडवांसमेंट आए उसके कारण इसका नाम चेंज करके क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर हो गया। तो आज की डेट में इसको हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। तो पीएचपी की और क्या मतलब क्यों जरूरी है, इस एक्चुअल में क्या है, तो उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है पीएचपी इज अ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स मीन्स इसको कोई भी अपने किसी भी सिस्टम पे लिख सकता है इजीली। इसके लिए कोई आपको अलग से कोई परचेज करने की जरूरत नहीं, कोई लाइसेंस या इस तरीके से किसी भी तरह की वर्किंग की जरूरत नहीं है। तो ये ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट, पीएचपी स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। तो ये मैंने बताया था कि आप जब भी पीएचपी की कोई फाइल बनाएंगे तो वो एग्जीक्यूट कहाँ होगी, सर्वर पे एग्जीक्यूट होगी, और इसका आउटपुट जो है हमें वो एचटीएमएल के फॉर्मेट में आपके वेब ब्राउजर पे मिलेगा। तो पीएचपी की स्क्रिप्ट हमेशा कहाँ एग्जीक्यूट होगी, सर्वर पे एग्जीक्यूट होगी, इसीलिए हमें पीएचपी की जरूरत होती है। पीएचपी इज ए फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज पीएचपी फाइल। पीएचपी की फाइल एक्चुअल में होती क्या है, तो जैसे हम नोटपैड में एचटीएमएल की फाइल बनाते थे, इसी तरीके से हम पीएचपी की फाइल्स भी हमारे नोटपैड में ही बना सकते हैं, या इसका कोई भी पीएचपी एडिटर या एचटीएमएल एडिटर आपको मिलता है तो उसके अंदर आप पीएचपी की फाइल को बना सकते हो। अब पीएचपी की फाइल के साथ आप क्या क्या बना सकते हो, टेक्स्ट को कंटेन कर सकते हो, एचटीएमएल बना सकते हो, सीएसएस लिख सकते हो, पीएचपी के साथ जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, पीएचपी के कोड लिख सकते हो। ठीक है, अब पीएचपी एग्जीक्यूट कहाँ होगी, सर्वर पे एग्जीक्यूट होगी, और जो इसका रिजल्ट है वो रिटर्न कहाँ मिलेगा आपको, ब्राउजर पे प्लेन एचटीएमएल के रूप में। आपको पीएचपी का जो कोड है वो आपको आपके ब्राउजर पे शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा, तो वापस से मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होती है, इसीलिए इसका जो कोड है आपको जनरल आपके ब्राउजर पे आप राइट क्लिक करके देखोगे, आप इसका सोर्स ओपन करोगे तो आपको केवल एचटीएमएल का फॉर्मेट दिखाई देगा। आपको पीएचपी का कुछ भी आउटपुट या कोई भी आपका कोड आपको शो नहीं होगा, केवल उसका आउटपुट ही शो होगा। ठीक है, पीएचपी का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, डॉट पीएचपी। जैसे आप फाइल बनाते थे एचटीएमएल की, उसमें आप लिखते थे डॉट एचटीएमएल। जैसे मैंने एचटीएमएल के अपने काफ़ी वीडियोज बना रखे हैं, उसमें आप चेक कर सकते हो एचटीएमएल कैसे आप वर्क करोगे। तो एचटीएमएल के जस्ट बाद जो वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है सीखने के लिए, जो कि वाइडली यूज होती है हमारे वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत, वो है पीएचपी। नेक्स्ट चलते हैं, पीएचपी के द्वारा हम करना है आपको कोई क्वेरी जनरेट करनी है। ठीक है, जैसे आपने सर्वर में डेटाबेस जो स्टोर है उससे आपको वर्किंग करवाना है, तो वो डायनामिक ही कंटेंट कौन जनरेट कर सकता है, पीएचपी। पीएचपी कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर। तो पीएचपी के द्वारा हम सर्वर पे हमारी फाइल्स को रीड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। पीएचपी कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा, फॉर्म के अंदर डेटा को कलेक्ट करती है पीएचपी, जिसको कहाँ स्टोर करवाती है, अपने डेटाबेस में। पीएचपी कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज, कुकीज भी पीएचपी सेंड करती है और रिसीव करती है। कुकीज एक्चुअल में क्या होती है, टेम्परेरी इंफॉर्मेशन होती है जो कि डेवलपर के द्वारा यूजर के ब्राउजर में स्टोर करवा दी जाती है। तो ये क्या यूज आती है, तो उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट सर्च किया, जैसे आपने ईयरफोन या हेडफोन सर्च किए, तो वो क्या करेगा, सर्वर पीएचपी क्या करेगी, एक कुकीज आपके ब्राउजर पे टेम्परेरी इंस्टॉल करवा देगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस साइट पे वापस जाओगे, तो जो आपने लास्ट टाइम सर्च किया था ना, उसी से रिलेटेड कंटेंट आपको नेक्स्ट टाइम बार बार आपकी वेबसाइट पे विजिट होता रहेगा या आपको शो होता रहेगा। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल होता है, ये सब पॉसिबल होता है कुकीज़ के थ्रू। और कुकीज़ क्या होती है, अब डिटेल में जब कुकीज़ का टॉपिक आएगा तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। पीएचपी कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर कोई भी ऐड करना हो, डिलीट करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो, वो कर सकते हैं। पीएचपी कैन बी यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस, यूजर एक्सेस के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं पीएचपी में कोई भी डेटा। पीएचपी के अंदर डेटा को हम इनक्रिप्ट फॉर्मेट में रख सकते हैं ताकि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ना रहे या इजीली कोई रीड ना कर सके। वाई पीएचपी, पीएचपी क्यों जरूरत है,
PHP को ही क्यों यूज़ करना है। तो PHP के बारे में हम देखते हैं, PHP रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, ठीक है, जैसे विंडोज़ पे भी रन होती है, लाइनक्स पे भी होती है, यूनिक्स पे भी होती है, मैक ओएस पे भी होती है, और भी कुछ आपके यदि प्लेटफॉर्म्स हैं विंडो के या अदर कोई प्लेटफॉर्म्स है तो उन पर भी ये ईजिली रन हो जाती है। PHP इज़ कॉम्पिटेबल विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर्स यूज टूडे, ठीक है, लाइक अपाचे, IIS, WAMP, तो ये काफ़ी सारे सर्वर्स हैं जिसमें सभी में ये कॉम्पिटेबल है और सभी में रन होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। PHP सपोर्ट्स ए वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस, तो ये काफ़ी सारे डेटाबेसेस को सपोर्ट करती है। PHP इज़ फ्री, तो ये मैंने पहले ही बताया था, PHP फ्री है, इसको आप इजीली डाउनलोड कीजिए PHP के ऑफिशियल वेबसाइट से या रिसोर्स से या अपाचे फ्रेंड जो मैंने आपको बताया था वहाँ से आप PHP इजीली डाउनलोड कर सकते हो और इसका सर्वर, वेब सर्वर, और इसे इंस्टॉल कर सकते हो। PHP इज इजी टू लर्न एंड रन इफिशियंटली ऑन द सर्वर साइड, तो सर्वर साइड आप PHP को स्टोर कीजिए और उसे रन कीजिए और उसका आउटपुट अपने ब्राउजर में देख सकते हैं। तो ये था हमारा जस्ट एक इंट्रोडक्शन कि हमारे PHP की क्या रिक्वायरमेंट है, PHP क्या है और PHP को कहाँ कहाँ किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ हमारे ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे हम चेक करते हैं कि किस तरीके से हम PHP की फ़ाइल को किस तरीके से रन करेंगे। तो लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक PHP की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जस्ट नोटपैड। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, नोटपैड स्टार्ट करेंगे। ये आपके सामने नोटपैड की फाइल ओपन हो गई। अब PHP को लिखते हैं कैसे हैं, तो PHP को PHP के टैग्स के अंदर लिखते हैं। ये PHP का ओपनिंग टैग हो गया और यहाँ ये क्लोजिंग टैग हो गया। जब भी आप PHP को स्टार्ट करोगे लिखना, तो आपको टैग स्टार्ट करना होगा और जस्ट इस टैग को इस तरीके से क्लोज करना होगा। आप एंगल ब्रैकेट लिखेंगे, एक क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे और जस्ट आप PHP लिखोगे और एंगल ब्रैकेट के क्वेश्चन मार्क के साथ एंगल ब्रैकेट को लगा के PHP की कोड को क्लोज कर दोगे। मैं एक सिंपल सा एक यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ। इको एक PHP का प्री इनबिल्ट फंक्शन है जो कि किसी भी मैसेज को या वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए काम में आता है। जस्ट मैंने लिखा यहाँ पे हेलो हाउ आर यू, ये जस्ट सिंपल सा मैंने एक मैसेज लिखा और इस फाइल को हमने सेव कर लिया। फाइल मैंने सेव किया, सेव कहाँ करोगे, मैंने आपको बताया था सी ड्राइव के अंदर जाओगे। आपकी सी ड्राइव में नीचे आप यहाँ पे चलोगे, यहाँ पे आपको जैम फोल्डर मिलेगा, इस जैम के अंदर जाना है। जैम के अंदर आपको stdocs मिलेगा, इस stdocs में जाना है। अब आप यहाँ पे अपनी फाइल का नाम स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी फाइल का नाम रखा web.php, तो वेब तो फाइल का नाम हो गया और यहाँ से मैं ऑल फाइल कर देता हूँ। कई बार ये क्या करता है, अदरवाइज टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव कर देता है इसको, txt फॉर्मेट में। तो हमें क्या चाहिए, php फाइल चाहिए। तो मैंने वेब फाइल का नाम रखा और .php उसका एक्सटेंशन रख दिया। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आप स्पेस नहीं दोगे बिल्कुल भी, ठीक है, और इसे यहाँ पे जस्ट सेव कर दोगे। सेव किया, उसके बाद आप क्या करोगे, ब्राउजर में जाओगे, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लोकल होस्ट स्लैश लिखोगे। स्लैश लगाने के बाद आपको क्या लिखना है, अपनी फाइल का नाम web.php, पूरा एक्सटेंशन आप लिखोगे web.php। और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो जस्ट देखिए आपको आपका आउटपुट मिलेगा। देखो यहाँ पे एक आउटपुट आ रहा है, हेलो हाउ आर यू, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखो राइट क्लिक करके चेक कीजिए इसको, ठीक है, यहाँ पे व्यू पेज सोर्स, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करके इसको चेक करते हैं तो आपको देखो केवल आपको एक आउटपुट आ रहा है, आपको PHP का कोड नहीं दिखाई दे रहा, जो आपने इको लिखा था या कोई भी कुछ भी किया था वो नहीं दिखाई दे रहा। और इसी तरीके से आप इसको HTML के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जस्ट क्या लिखता हूँ, HTML का टैग स्टार्ट किया और यहाँ पे HTML के टैग को क्लोज कर दिया। इसके अंदर यहाँ पे आके मैंने हेड स्टार्ट किया, हेड के अंदर मैंने लिखा अपना टाइटल, टाइटल के अंदर माई फर्स्ट PHP वेब पेज, और यहाँ पे मैंने इस टाइटल को क्लोज कर दिया। यहाँ पे आगे मैंने हेड को क्लोज किया, हेड टैग को, जस्ट मैंने इसके बाद बॉडी टैग स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। ये हमारा एक वेब पेज बना HTML के अंदर, और जस्ट इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा PHP टैग स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे PHP क्लोज किया। यहाँ पे हमने हमारा फंक्शन लिखा इको हेलो हाउ आर यू, ये हमने लिखा था लास्ट टाइम, और इसको सेमीकॉलन से बंद कर दिया और इसको सेव कर लिया। यहाँ पे आए, फाइल के अंदर आए, सेव किया,
ब्राउजर में गए, ब्राउजर में आके यहाँ पे हमने इसको वापस से न्यू टैब के अंदर लोकल होस्ट स्लैश और उस फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या था, वेब डॉट पी एच पी, और जस्ट मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए आपको आउटपुट शो होगा, यहाँ पे आउटपुट आ गया हेलो हाउ आर यू। ठीक है, अब इसका राइट क्लिक करके वापस चेक करते हैं हम व्यू पेज सोर्स। पेज सोर्स में देखो आपको केवल HTML का सोर्स शो हो रहा है, जिसमें इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए आराम से HTML हेड, हेड के अंदर टाइटल में हमने लिखा था माई फर्स्ट वेब पेज, और यहाँ पे देखो PHP का कोड नहीं आके केवल आपको एक टेक्स्ट मैसेज शो हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होती है, लोकल सर्वर अभी हमने इंस्टॉल कर रखा है जो किस नाम से है, ZAMP के नाम से, आपके सी ड्राइव के अंदर। मैं आपको वापस से बता देता हूँ ताकि आगे वाली फाइल्स में आपको, आगे वाली जो क्लासेज है उनमें दिक्कत ना हो। आप सी ड्राइव में जस्ट जाएंगे, सी में जाके आप यहाँ पे चेक करोगे ZAMP, तो ये ZAMP मिलेगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियोज में बता रखा है, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। ST docs के अंदर हमने एक फाइल बनाई थी web.php के नाम से, ये web.php की फाइल आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको एक्सेस कैसे कर रहे हो, आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन करोगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, HTML की फाइल नहीं है ये, PHP की फाइल है, इसीलिए आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको आके लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा, देन आपकी फाइल यहाँ पे इस तरीके से आपका आउटपुट देगी। तो ये था हमारा आज की PHP क्लास का इंट्रोडक्शन, या कैसे हम PHP के अंदर एक वेब फाइल बना सकते हैं और PHP के पेज को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ और PHP के बारे में न्यू इंटरेस्टिंग, तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारी नेक्स्ट क्लास को विजिट करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।